नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दमोह मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले ही जांच के आदेश दे दिए गए थे और बच्चियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो प्राथमिकी जांच में निकलकर सामने आए उसके तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए और कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध वाले स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि वह स्कूल शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। सीहोर में मासूम बच्चे के बोरवेल में गिरने के मामले पर भी बोले नरोत्तम मिश्रा। ब्यूरो रिपोर्ट। पहले दिन ही इसके जांच के आदेश दे दिए थे। हम चार दिन से लगातार प्रमाण एकत्रित कर रहे थे, बयान भी ले रहे थे, बच्चियों के बयान भी हो गए। इस तरह की जो मानसिकता है, इसको मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैंने पुलिस को निर्देश दिए कि प्रथम दृष्टया जो अधिकारी आई है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई आज पुलिस करेगी। उस जो भारत के नक्शे में छेड़छाड़ का आया है उसके भी मैंने आज जांच के आदेश। गाना था ना पुराना, आपने सुना होगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना। आप कल्पना करें, मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे, 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना 2 लाख रुपए माफ हुए, ना मुख्यमंत्री बदला। ये स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विवाह की। यह भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। ये सब चिंता और निंदा की चीजें होती जा रही हैं देश की जनता के साथ में, और कर्नाटक में तो हद कर दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए उल्टे। जड़ पे सीबीआई पहुंच जाती है, ये डर है उनको। अब राहुल गांधी जी विदेश में जाके प्रशंसा करते हैं मुस्लिम लीग की, और इनकी पार्टी हिंदुस्तान में भगवा को आतंकवाद बताती है। अब ये इन दोनों की सोच देख लें आप, और अमेरिका के जो हमारे राय है हमारे बारे में, वो अमेरिका की राय भी देख लें, जिनने कहा था कि भारत का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है, सबसे मजबूत है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो दिल्ली में जाके देख लें। जिस अमेरिका पे वो आलोचना कर रहे हैं, उस अमेरिका की राय को राहुल गांधी जी सुनो। अभी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आई है, आज विस्तृत आ जाएगी, पर अगर इस तरह की भी कोई जानकारी आएगी तो कार्यवाही उस पर भी होगी। ये जो स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, मैं आज उनसे भी बात करूंगा और उन बिंदुओं को भी हम लेंगे। सर, साई फेंकने का मामला भी आया है, उस पर वैधानिक हो गई। कर्नाटक में बिजली के दरों में बढ़ोतरी कर दी। एक गाना था ना पुराना, आपने सुना होगा, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना। आप कल्पना करें, मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे, 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना 2 लाख रुपए माफ हुए, ना मुख्यमंत्री बदला। यही स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विवाह की। यह भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। ये सब चिंता और निंदा की चीजें होती जा रही हैं देश की जनता के साथ में, और कर्नाटक में तो हद कर दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए उल्टे। कार्रवाई हर बार की जाती है, बात ही नहीं की जाती है, और इस बार भी कार्रवाई ही की जाएगी, और वहां पर लगातार प्रशासन मौजूद है और प्रशासन उस पर
रात में भी जग के कार्रवाई की, चूंकि वो बहुत हार्ड जगह है, चट्टानों के बीच की बोरिंग है वो। और जैसे हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर टीम, होमगार्ड के जवान, पुलिस के जवान, सारे के सारे वहाँ पर तैनात हैं, दिक्कत जब आती है जब ड्रिलिंग करते हैं चट्टान को, तो बच्ची नीचे को सरकती है, तो इसलिए कई सावधानियाँ भी उसमें चट्टानों के बीच का मामला है। लेकिन लगातार प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है, मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार प्रशासन के संपर्क में और चर्चा भी कर रहे हैं। देखो भैया, आपने कहीं देश में नाम सुना उसका, सेना का? ये तो अपने आपको दिखाने के लिए कि न्यूज में बने रहे, ऐसी पकड़ लेते हैं और घोषणा करा देते हैं। और आपने, आप बताओ ना, कहीं नेशनल स्तर पर कभी इसका नाम सुना, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए इसके पहले सुना हो तो? रेल हादसे पर लगातार विपक्ष निशाना साध हो गया, विषय आ गया। आज बैठक है भाई साहब, सभी विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के साथ लगातार बैठते हैं, हर सप्ताह बैठते हैं और चर्चा हर विषय पर होती है। आज मूल विषय लाडली बहना, जो 10 तारीख को परसों उसका नर्सों राशि माननीय मुख्यमंत्री जी जबलपुर से डालेंगे, वो विषय भी है।